वेलकम टू मेक इज यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नीट और जेईई क्वेश्चन के साथ साथ सिलेबस का भी डिस्कशन करूंगा। आज मैं आपके लिए ला रहा हूं नीट और जेईई का सिलेबस, जिसमें हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा सिलेबस, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले सिलेबस को देखने के पहले मैं आपको वेटेज एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा है जिसपे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फिजिक्स इन परसेंटेज। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा टॉपिक कवर किए जाते हैं, और मैकेनिक्स एक ह्यूज टॉपिक होता है। बट मैकेनिक्स को टैकल करना इतनी आसान बात नहीं होती है। मैकेनिक्स थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों के लिए हार्ड माना जाता है। फिर बच्चों को लगता है कि सर मान लीजिए मैकेनिक्स यदि मैं स्किप भी कर दूँ तो मुझे कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे कवर करने में आसानी होगी और उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि इतने टॉपिक्स में से केवल मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जिसको लेस टाइम पे कंप्लीट किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए होता है, क्योंकि आप इस टॉपिक को कम से कम समय में इफिशियंसी के साथ इसको आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको, यदि आप फ्रेशर्स हो तो आपको मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक सबसे पहले कवर करना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स के बाद आपके यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में कमांडिंग बेहतर है तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। यदि इनमें कमांडिंग थोड़ा कम है आपको इसको स्किप करके हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स को देखना चाहिए, क्योंकि हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स का भी वेटेज कम नहीं होता है, उसके भी अच्छे वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के बाद आपको सेकंड स्टेप में रखना चाहिए हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। फिर आपको इसके बाद रखना चाहिए ऑप्टिक्स। हालांकि ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ऑप्टिक्स का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन ऑप्टिक्स में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, उन सेलेक्टेड टॉपिक की स्टडी करके आप अपनी कंप्लीट कमांडिंग नीट के लिए बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऑप्टिक्स के बहुत हार्ड क्वेश्चन नीट जैसे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, इसलिए आप ऑप्टिक्स में कमांडिंग बेहतर कर सकते हो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक की स्टडी करके। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि लास्ट में आप हमेशा रखो मैकेनिक्स। यदि आपके मैथमेटिक्स पोर्शन थोड़ा वीक है तो आपको हमेशा मैकेनिक्स लास्ट में रखना चाहिए, और यदि स्ट्रॉन्ग है तो आप सबसे पहले कवर करो। ये हुआ आपका चैप्टर वाइज वेटेज, इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है मैकेनिक्स, लेकिन मैकेनिक्स होता है हार्ड। फिर इसमें वेटेज मैकेनिक्स से कंपेयर पे मॉडर्न फिजिक्स कम है, बट मॉडर्न फिजिक्स को जल्दी से टैकल किया जा सकता है, इसलिए आपको मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले देखना चाहिए। फिर मॉडर्न फिजिक्स के बाद आपको देखना चाहिए हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स के बाद आपको देखना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें मैं एक टॉपिक को और आपको बताना चाहूँगा, EMI के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड डिजाइन होते हैं, क्योंकि EMI सिंपल प्रोसेस नहीं है। EMI में मैकेनिक्स के भी कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, इसलिए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर सकते हो, बट EMI को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप EMI और मैकेनिक्स को लास्ट में रख के प्रिपरेशन करें, और इसके बाद आप ऑप्टिक्स की स्टडी करें। ऑप्टिक्स का सिलेबस लेंदी तो है, बट सेलेक्टेड टॉपिक की स्टडी करके इसमें भी कमांडिंग को बेहतर किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं कि 11th सिलेबस कितने पोर्शन पूछे जाते हैं और 12th से कितने पोर्शन कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11। क्लास 11 में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इनमें से आप सबसे पहला टॉपिक देखोगे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट मेजरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेजरमेंट को आप स्किप करोगे तो आप नीट जैसे एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन स्किप करोगे, और इसे कवर करना बहुत आसान होता है। फिर आप देखोगे सेकेंड स्टेप में काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या है,
काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स एक पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं काइनेमेटिक्स से कभी क्वेश्चन हार्ड डिजाइन होते हैं और कभी कभी सॉफ्ट डिजाइन होते, वो तो आप टैकल कर ले जाते हो, लेकिन ऐसा कम ही समय हुआ है कि काइनेमेटिक्स से सॉफ्ट डिजाइन क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं होता। काइनेमेटिक्स से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता है, लॉज ऑफ मोशन से मैन पुली प्रॉब्लम, पुलिस वगैरह हार्ड पुलिस डिजाइन की जाती है, तो पुलिस हो गया और मंकीज प्रॉब्लम हो गई, और आपके काइनेमेटिक्स से रैन मैन प्रॉब्लम हो गई, ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं जिनको आप कम समय में कभी भी टैकल नहीं कर सकते हो, कर सकते हो पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, हम क्लास 11 में हो, तो ये सब चीज़ें को कवर किया जा सकता है, बट यदि आप ड्रॉपर हो तो फिर इनको कवर करना थोड़ा लेंथी हो जाता है। लॉज ऑफ मोशन भी आप देखिए, लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं पुलिस प्रॉब्लम, मंकीज प्रॉब्लम और टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो करता हूँ, इनमें से आपका आता है वर्क पावर एंड एनर्जी, भी मैकेनिक्स का पार्ट है, आपका मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी, हाँ इसके क्वेश्चन आप देख सकते हो ठीक ठाक आते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ फोर्स से क्वेश्चन आते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ फोर्स में वर्क पावर एंड एनर्जी में तो कवर करना ही चाहिए, क्योंकि आप कंजर्वेशन ऑफ फोर्स को स्किप करके जाओगे तो आप इस छोटी के साथ नहीं कर सकते हो कि आपको वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन टैकल होंगे। इसके बाद आप देखें ये आता है आपका ग्रेविटेशन। अच्छा रोटेशन का क्या है सर? देखो रोटेशन का ऐसा सिस्टम है कि रोटेशन में तो कंप्लीट इंजीनियरिंग नहीं होती, तो आप रोटेशन का तो हमेशा यहाँ तक के टॉपर कभी रहा है कि रोटेशन के क्वेश्चन कभी हैंडल हो पाए कभी नहीं हो पाए। अकॉर्डिंग टू मी यदि आपके मैकेनिक्स स्ट्रांग नहीं, आप रोटेशन के टॉपिक को स्किप कर सकते हो, क्योंकि रोटेशन जैसे टॉपिक के कमांडिंग पाना आसान बात कभी भी नहीं होती। रोटेशन सबसे हार्ड माना जाता है, नीट के लिए भी माना जाता है, जेई के लिए भी माना जाता है, जे एडवांस के लिए माना जाता है, इसलिए इसको तो बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए रोटेशन वाले चैप्टर को। इसके बाद आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का वेटेज ना बहुत हार्ड रहता है ना बहुत सॉफ्ट रहता है, बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा हार्ड डिजाइन में आते हैं, और वेरिएशन इन एक्सेलरेशन आता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट क्वेश्चन डिजाइन में आते हैं, इनका अप डाउन चलता रहता है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लीनियर एक्सपेंशन, और लीनियर एक्सपेंशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल एक क्वेश्चन से डिजाइन होते हैं, इसलिए आप जब प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पढ़ें आप इसको जरूर पढ़ें, एक बार देख लें, इसके फार्मूले देख लें, लीनियर एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट देख लें, ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकें। इसके बाद अब आपका टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, इसको नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में केटीजी यूज करते हैं, और लास्ट में आता है ऑसिलेशन एंड वेव। तो ऑसिलेशन एंड वेव ये एक हार्ड टॉपिक है, इसको आपको नॉर्मली स्किप कर ही लेना चाहिए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को कंप्लीट करना इतना ईजी टास्क नहीं होता, इसलिए आप ऑसिलेशन और वेव के टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। अब बच रहे हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्या रहता है? थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल आप कवर करने चाहिए, बिल्कुल आपको बोनस मार्क्स है, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी स्किप नहीं करना है। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स ही आपकी बेटर कमांडिंग बन सकते हैं क्लास 11 के पोर्शन से। अब बच्चों को क्वेश्चन ये होता है कि सर ओवरऑल वेटेज में पूरे क्लास 11 का कितना वेटेज होता है? तो मैं आपको बता दूं 11 का रहता है 45% वेटेज, ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन में इसका वेटेज रहता है 45%। अब इसके बाद शुरू होता है क्लास 12 का पोर्शन, इसमें हमें ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत पड़ती है, ये सबसे ह्यूज टॉपिक सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना ही बहुत सिंपल है
बट क्वेश्चन आते हैं हमेशा हार्ड। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से सिंपल क्वेश्चन डिजाइन हुए हों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतने सारे टॉपिक होते हैं क्वेश्चन को डिजाइन करने के लिए। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कहीं से भी डिजाइन हो सकते हैं, ये लूज टॉपिक्स होते हैं। इसलिए आप ये बोल सको कि सर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 100% कंप्लीट है, ये टोटल फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं कि टॉपर्स को एक बार लगता है कि सॉल्व करना चाहिए कि स्किप कर देना चाहिए। इसलिए आप इलेक्ट्रो पढ़ो तो सही, बट आप ये ना सोचो कि इलेक्ट्रो के क्वेश्चन मेरे पूरी कमांडिंग में आ सकते हैं। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इलेक्ट्रो हार्ड टॉपिक होता है, वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन डिजाइन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब इसके सेकंड में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को कवर कर सकते हो एज द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा टॉपिक है, इनमें आप देखोगे कि केवीएल जैसे जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, और एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी वेलोसिटी। ये दोनों करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन्हीं से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस साल की बात करूँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, सिंपल ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया था, एकदम सिंपल, आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही लेंथी सिलेबस होता है, बहुत सारा पोर्शन होता है इसमें पढ़ने को, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ, फोर्स ऑन करंट, करंट कंडक्टर, करंट लूप, और लास्ट में मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में कुछ और चीजें पढ़नी होती, पैरा डाय एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। तो ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये नीट के हिसाब से लेंथी हो जाता है और क्वेश्चन कभी भी सिंपल नहीं आते हैं, इसके क्वेश्चन हार्ड डिजाइन किए जाते हैं। इससे आप हो सके, यदि आप ड्रॉपर्स हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट यदि आप फ्रेशर्स हो, जस्ट लाइक एस 11 में आप पढ़ रहे हो, 12th में स्टार्ट किया अभी फाइनल नीट के लिए, तो फिर आप इस टॉपिक को कर सकते हो। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हार्ड होते हैं, इसे आप बिल्कुल भी सिंपल नहीं समझना। हाँ, कभी कभी मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन से जो ये यहाँ पे दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसके सिंपल क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं, बट हमेशा आप ध्यान रखना ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा हार्ड ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ईएमआई का ही पार्ट होता है, लेकिन अपने घरों में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आने के कारण इसे अलग से डिजाइन कर दिया गया है। आप इस टॉपिक को बिल्कुल कवरअप कर सकते हो, ईएमआई बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल तो नहीं कर सकते लेकिन ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ईएमआई से अलग, अल्टरनेटिंग करंट से अलग। एक दो टॉपिक आपको पढ़ना होता है, जस्ट लाइक एस फैराडेज लॉ हो गया, आपको फैराडेज लॉ क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं जाती। और अल्टरनेटिंग करंट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, जस्ट लाइक एस एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, इसलिए आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। इसके बाद बहुत सिंपल टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक और क्वेश्चन इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ आते हैं, कभी एक आता है कभी दो आता है, और ये बहुत कम समय में कवरअप किया जा सकता है। इसलिए यदि आप ड्रॉपर हो तो इसको कभी भी इसकी बात को नहीं करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ के जाना है, सिंपल क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, सिलेबस भी बहुत नहीं है इसका, सिंपल ट्रिक से पढ़ के जाओ, आप गारंटी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए कंफर्टेबल टॉपिक हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में आप देखिए बहुत ही लेंथी सिलेबस है, आप खुद देखो कितना यूज अमाउंट ऑफ टॉपिक्स है, बट मैं आपको बता दूं कि इतना टॉपिक होने के बावजूद भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको ऑप्टिक्स को भी स्किप नहीं करना है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जैसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नीट के लिए टॉपिक होता है
टॉपिक को स्किप करोगे तो आप बहुत अच्छा टॉपिक स्किप कर दोगे। इसलिए आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कभी स्किप करके नहीं जाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, जैसे इसमें आप देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन, इन चार टॉपिक से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो पहला टॉपिक हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेकंड टॉपिक आप पढ़ते जाओगे थिन लेंस फार्मूला, इसके बाद आप पढ़ते जाओगे लेंस मेकर फार्मूला, फिर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट एंड लास्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। केवल और एक और डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, आप इतने कम टॉपिक पढ़ करके ऑप्टिक्स को कवर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप छोड़ के जाओ, लेकिन हाँ ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा ऑप्टिक्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इतने टॉपिक्स पढ़ते जाइए आप 100% श्योर आप क्वेश्चन करके आओगे। इसलिए आपको ये टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आप देखो वेव ऑप्टिक्स किसी का पोर्शन है, वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ के जाइए। वेव ऑप्टिक्स में केवल दो तीन कॉन्सेप्ट है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर लॉ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आप वेव ऑप्टिक्स में कुछ पढ़े ना पढ़िए ब्रूस्टर लॉ को पढ़ के जाइए, और दूसरा लॉ ऑफ मैलस या फिर मैलस लॉ को पढ़ के जाइए, I = I0 cos²θ। इन दोनों से ही क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स में अधिकतर डिजाइन होते हैं। 60% वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक्स में होते हैं, या तो ब्रूस्टर लॉ पढ़ के जाइए या तो मैलस, या फिर आप दोनों पढ़ के जाइए, बाकी टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इन दोनों लॉस को पढ़ के जाना होता है, ब्रूस्टर लॉ और दूसरा होता है आपका लॉ ऑफ मैलस, या फिर आप मैलस लॉ भी बोल सकते हो। इन दोनों टॉपिक्स को आपको कवर करना होता है वेव ऑप्टिक्स में। तो आपको लगेगा सर बाकी के जो टॉपिक्स है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हाइगन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, मैं आपको बता दूं इंटरफेरेंस के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं थोड़ा हार्ड, डिफ्लेक्शन के भी डिजाइन होते हैं हार्ड, सिंपल डिजाइन होते हैं आपके क्वेश्चन पोलराइजेशन के, और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में। इसलिए आपको इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन की जगह आपको पोलराइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करके जाना चाहिए। इसमें केवल दो ही लॉस होते हैं ब्रूस्टर लॉ और लॉ ऑफ मैलस, जिनका कॉन्सेप्ट आपको लिखा गया है सामने। इसकी क्या वैल्यू होती है ब्रूस्टर लॉ केवल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और एक एंगल को भी एक्सप्लेन करता है जिस एंगल को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। बस इतना टॉपिक आप करके जाइए, आपको ऑप्टिक्स में भी वेव ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में और वेव ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में क्वेश्चन हैंडल हो सकते हैं। अब लास्ट में आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जनरली पूरे पार्ट होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट होता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो मैं इनमें केवल एक ही टॉपिक बोलूंगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से, वो टॉपिक होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ के जाइए, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब से पेपर डिजाइन होना शुरू हुआ है एनडीए में या फिर इससे पहले भी जब से पेपर आ रहा है का हमेशा देखा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन श्योर होता है। आप केवल इस टॉपिक में सब स्किप कर दीजिए, आप केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के जाइए, गारंटीड एक या दो क्वेश्चन आने तय हैं, और आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम जब एनडीए करा रहा है तब भी आ रहे हैं, एनडीए से पहले भी आ रहे थे, जब नेट का नाम AIPMT था तब भी ये क्वेश्चन आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि जब से एनडीए लिया तब से आना शुरू हुआ है, जब AIPMT चल रहा था तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन आ रहे थे। आप कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मॉडर्न टॉपिक से स्किप नहीं करना, आप चाहे तो इतने टॉपिक के बाद ये पढ़ के जाना बट पढ़ जरूर लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 ग्रेट थ्योरी। और इसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ एक कॉन्सेप्ट और डी ब्रॉग्ली
डी टॉपिक बीम और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप केवल इन दोनों टॉपिक को कवर करिए, आपके सारे क्वेश्चन सेटिंग हो जाएंगे। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम वाला जो पोर्शन है आप इसको क्लास 11 केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिर आप उसी टॉपिक को सेम आगे पढ़ते हो क्लास 12 में भी पढ़ते हो, और आप देख रहे हो कि कॉम्पिटिशन में भी ये टॉपिक इंक्लूड है, आपको ये दोनों टॉपिक नहीं स्किप करना चाहिए, एटम को जरूर पढ़ के जाना चाहिए। श्योर एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको हैंडल कर सकते हो, बट न्यूक्लियाई के क्वेश्चन का लेवल होता है वेरी वेरी हार्ड। और आप अभी देख रहे हो ड्रॉपर के हिसाब से आप न्यूक्लियाई वाले चैप्टर को स्किप कर दीजिए, आपको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। न्यूक्लियाई के कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है आज तक, हमेशा उसका लेवल हार्ड ही रहा है, बट एटम से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप न्यूक्लियाई की जगह एटम को अच्छे से कवरअप करिए। न्यूक्लियाई आप लास्ट में देखिए, जब आपको लगे आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं तो आपको देखना चाहिए न्यूक्लियाई। बट यदि आप बोल रहे हो कि सर हमें न्यूक्लियाई थोड़ा सा देखना है, तो कोई ऐसा टॉपिक बता दीजिए जिसे थोड़ा सा पढ़ने से क्वेश्चन आते हो उसके और बढ़ जाए, तो ऐसा टॉपिक केवल एक ही है न्यूक्लियाई, वो है अल्फा बीटा गामा इमिशन। कभी कभी देखा गया है कि इससे सिंपल क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं, अल्फा इमिशन से, बीटा इमिशन से और गामा इमिशन से। यदि आप पढ़ना ही चाहते हो न्यूक्लियाई, तो केवल ये तीन पार्टिकल्स आप पढ़ लीजिए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेस, आप कुछ हद तक क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्सीमेट एवरी ईयर थ्री क्वेश्चन तो देखे ही जा सकते हैं, टू थ्री क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहे हैं। तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गेट होता है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गेट्स। आपको यदि गेट की आइडिया है तो आप एक क्वेश्चन तो कर ही लोगे। फिर सेकेंड टाइप के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं जेनर डायोड से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है सबसे फर्स्ट नंबर लॉजिक गेट्स, जो कि वेरी वेरी सिंपल होते हैं और थोड़ी सी स्टडी करके इनको कंप्लीट किया जा सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जेनर डायोड भी इंपॉर्टेंट है, आप जेनर डायोड करते जाओगे तो सेकेंड क्वेश्चन भी टैकल कर पाओगे। और जो थर्ड क्वेश्चन आता है सेम इसी टॉपिक से, वो होता है हमारा ट्रांजिस्टर। आप इन तीनों टॉपिक को कवर करके जाइए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से आने वाले क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। कभी कभी तो फोर्थ क्वेश्चन तक देखा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में आता है केवल सिंपल डायोड, आप उसे आइडियल डायोड भी बोल सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स में आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे जितना भी कम समय मिले आप उसको पढ़कर जाइए, और खासकर के आप लॉसिक गेट को तो जरूर पढ़ के जाइए, लॉसिक गेट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट।